नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, टॉपिक हमारा आज का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स, यानी कि जो हमारे दो अंकों की संख्याएं होती हैं, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हम उसको किस तरह से जल्दी से उसको कर सकते हैं, और कन्वेंशनल मेथड से हटके अगर हम कुछ और करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है आप लोगों को, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस में आते हैं तो कन्वेंशनल मेथड से जल्दी आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले जो आपने वीडियोस देखे वो आपके जल्दी हो जाते हैं, प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर हम करेंगे, जो कि कन्वेंशनल मेथड जो हमारा कन्वेंशनल में, जैसे कि अगर मैं 23 मल्टीप्लाइड बाय 43 करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है वो होता है 23 और 43 इस तरह से रख के, फिर आपको 43 का टेबल आता है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, वरना 3 का टेबल करते हैं, और इस तरह से ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है। अगर हम इस कन्वेंशनल मेथड को छोड़कर दूसरा मेथड देखें, और अगर आपने स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर का वीडियो देखा है तो उसी को ही हम ध्यान में रखते हुए इसको हम प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करके हम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वही नंबर ले रहा हूँ मैं आपके सामने, 23 एंड 43। अगेन जैसा कि हमने पाया था कि दो अंकों का स्क्वायर में 3 प्लेसेस हमारे को चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे 3 प्लेसेस हमने बनाए उसके लिए। अब इसका पहला नंबर 2 और इसका पहला नंबर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो फर्स्ट डिजिट्स हैं दोनों की उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा 8 आएगा। ऐसी लास्ट की जो दोनों डिजिट्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा 9 आएगा। तो ये हमने इस तरह से कर लिया, दोनों की फर्स्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया, दोनों की लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके लास्ट प्लेस पे लिख दिया, और सेंट्रल प्लेस के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि फर्स्ट को लास्ट से और मिडल टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी कि 2 3 6 प्लस 4 3 12। ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने किया। पहले दोनों नंबर्स, दोनों के पहले पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर दोनों के आखिरी आखिरी नंबर को लिख के, और फिर इनको क्रॉस कर दिया, यानी कि बाहर जो नंबर्स लिखे हैं उनको मल्टीप्लाई किया, अंदर जो नंबर लिखे हैं उनको मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करने के बाद देखा यहाँ पे सिंगल डिजिट है, इसको एज इट इज़ उतार दिया यहाँ पे, और हमें पता है 12 एंड 6 18 होता है, 18 इज़ ए टू डिजिट नंबर, तो इसका सिंगल डिजिट यहाँ पे उतारेंगे, और ये 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी होने के बाद में ये 9 बन जाएगा, तो इसका आंसर हमारा आएगा 989। एक हमारे पास ये मेथड है जो कि उसी मेथड से है जो हमने फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर किया था, उसे ही हमने फॉलो किया है। एक और थोड़ा सा आसान लेकिन ट्रिकी मेथड है, वो ट्रिक है अगर हम उसको समझ लें। हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारे दोनों नंबर हैं 23 प्लस 43, इसके लिए हमारे को अगर हमें स्क्वायर याद है तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर हम स्क्वायर्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं और हमारे दिमाग में स्क्वायर बैठे हुए हैं तो उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इन दोनों का हमने सम किया, सम करने के बाद वो आया 66। 66 का 2 से भाग कर दिया तो मेरे पास आ गया 33। इससे क्या पता चलता है, 33 इन दोनों नंबर्स के बिल्कुल बीच में एक नंबर है जो आएगा 33, 23 और 43 के बिल्कुल बीच में आएगा। अब मुझे 33 का स्क्वायर अगर पता है तो 33 का स्क्वायर होता है 1089, ये मुझे याद है, और इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें स्क्वायर याद होंगे तो इजीली हो जाएगा। तो 1089 इसका स्क्वायर होता है। अगर मैं देखूँ 23 से 10 ज़्यादा है और 43 से 10 कम है, तो दोनों तरफ से 10 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं 33 को देखूँ तो इन दोनों से सेम डिफरेंस आ रहा है, ये 23 से 10 ज़्यादा है तो 43 से 10 कम है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 100 करके माइनस कर दूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 989, जो कि मैंने ऊपर निकाला है आंसर। तो ये भी एक मेथड है स्क्वायर, दो अंकों का मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक मेथड, ये जो मैंने आपको समझाया ऊपर, ये मेथड है।
जो कि हमने टू डिजिट नंबर्स का जो स्क्वायर फाइंड आउट किया था उसी को ही फॉलो किया था। और यहाँ पर एक और मेथड मैंने आपको बताया जिसके अंदर हम एवरेज निकाल लेते हैं दोनों नंबर का, एवरेज निकाल के वो उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है और फिर उन दोनों नंबर से जो उसका डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करके डिफरेंस निकाल देना है। ये तो इस तरह से हम किसी भी दो अंकों की संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी को ही, अब आपको कौन सा मेथड समझ में आए उसी मेथड से करें। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो मैं नंबर लेता हूँ 47 मल्टीप्लाइड बाय 73, ये मैंने दो नंबर लिए। अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम अगेन तीन प्लेस लेंगे, यहाँ पे थ्री प्लेसेस हम नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद में दोनों का फर्स्ट डिजिट लिया 4 एंड 7, 4 एंड 7 को मल्टीप्लाई किया 28 आता है, ये मैंने 28 यहाँ लिख दिया। फिर 7 एंड 3 को मल्टीप्लाई किया, 7 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 21, ये 21 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं क्रॉस करूँगा यानी कि दोनों जो एक्सट्रीम आउटर मोस्ट नंबर है यानी कि 4 एंड 3 12 प्लस 7 7 जा 49, ये मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद मुझे यहाँ से दो डिजिट हैं, मैं एक ही डिजिट तो उतारूँगा। अगर मेरे को टू डिजिट के स्क्वायर का कंसेप्ट याद है तो मैं एक ही डिजिट एट अ टाइम निकालता हूँ और ये टू यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। जब टू यहाँ पे आके ऐड होगा तो इन सभी को जब मैं ऐड करता हूँ तो 49 एंड 2 51, 51 में 2 ऐड किया 53 एंड 10 63 हो गया, तो ये 63 का 3 यहाँ पे आएगा और ये 6 यहाँ चला जाएगा। जब 6 यहाँ जाएगा, 6 यहाँ जाके ऐड होगा तो 28 में 6 ऐड करूँगा 34 आएगा। तो ये मेरा टू डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो निकालने का एक तरीका मेरे सामने आ गया। तो इस तरह से हम इसका जो मल्टीप्लिकेशन है टू डिजिट नंबर का उसको हम समझ लेंगे। और अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको करने का एक और तरीका है जिसको आपको समझना चाहिए कि हम इसको वर्टिकल पोजीशन में ही लिख लें। अगर वैसे तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वर्टिकल पोजीशन में लिख लें। वर्टिकल पोजीशन में लिखने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 21 ऐसे लिख लें और 28 ऐसे लिख लें, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, 7 7 जा 49, 12 एंड 49 दोनों को ऐड करेंगे 61, 61 को यहाँ लिख लेंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या मिला, 1 3 14 3, ये मेरा 3 4 3 1 आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन का जो कन्वेंशनल मेथड है उसको अगर आप छोड़ के दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका टाइम ज़रूर बचेगा और गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। आपको पसंद आए तो ये शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। और इस तरह के जो लॉजिकल ट्रिक्स हैं, जो मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं, वो अभी मैं कैलकुलेटिव ट्रिक्स बता रहा हूँ, फिर मैं दूसरे जो हमारे अर्थमेटिक के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं उसकी भी शॉर्टकट्स वगैरह आपको डालूंगा और आप लोग उसको देखेंगे तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में SSC DSSB रेलवे बोर्ड या बैंकिंग वगैरह की जॉब वगैरह के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपका टाइम बचाएंगे। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो और आप तरक्की करें, यही मेरी कामना है। थैंक यू।